नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आपको एक पौधे से अवगत कराता हूं जिसको आजकल लोग बोल रहे हैं कि बाग नखी है। यूट्यूब के ऊपर बहुत बताते हैं कि बाग नखी नहीं है, ये सब गलत है। बाग नखी नहीं, जो बता रहे हैं हाथाजोड़ी का पौधा बोल रहे हैं। हाथाजोड़ी का पौधा नहीं है। इस पौधे को दिखा के लोग बता रहे हैं कि ये हाथाजोड़ी है। ये देखिए, हाथाजोड़ी नहीं है, ये इसके फूल हैं। पास से देखिए, इसमें इस तरह से घंटाकार फूल आता है, बहुत खूबसूरत। ये इसका पुष्प है, ये इसके पत्ते हैं। पत्ते इसके रुएदार होते हैं, इसलिए हाथों में से ऐसे लगते हैं। ये असल में बिच्छू बूटी है और घूड़े पे उगती है। ये कई लोग बताते हैं हरिद्वार में उग रही है और यहाँ उग रही है और बड़ी मुश्किल से उगती है। ये घूड़े के ऊपर जो जहाँ कचरा फेंका जाता है, जहाँ बिच्छू रहता है वहाँ ये उगती है। घूड़े के ऊपर बिच्छू रहता है, गोबर के नीचे। और क्योंकि बिच्छू बड़ा गर्म प्रकृति का है तो हमेशा ठंडक में रहेगा। उसके अंदर जो जहर, पीछे जो डंक में जहर रहता है, उसके ऊपर भी कोट होता है ताकि उसके अंदर जो फार्मिक एसिड, उसके अंदर जो जहर होता है वो फार्मिक एसिड होता है, और वो बिल्कुल गर्मी पसंद नहीं करता, इसलिए वो उसके अंदर बंद रहता है। ये बूटी वहीं उत्पन्न होती है जहाँ बिच्छू होते हैं। बिच्छू बूटी इसका नाम है। कई लोग इसको बाग नखी भी बोलते हैं क्योंकि इसका बाद में पकने के बाद जो फल आएगा वो इस तरह से कांटेदार आता है और काले रंग का होता है, विचित्र फल, और उसका नखून शेर के नखून के जैसे होते हैं, इसलिए उसको बाग नखी बोलते हैं। पुराने समय में लोग उस पके हुए फल को चमार जूते में डाल देता था, और जब वो जूता पहन के चलते थे तो चू चू आवाज़ आती थी। वो जूते में इसलिए डाल देते थे कि पुराने समय में गाँव में जो चमड़े के जूता बनता था वो रखा रहता था, तो उसके अंदर, जूते के अंदर बिच्छू जाके बैठ जाते थे। परंतु अगर वो बिच्छू बूटी का फल उसमें डाला हो तो फिर बिच्छू उसके आसपास नहीं जाता है। इस सुरक्षा की दृष्टि से उस फल को जूते के अंदर डाला जाता था। बिच्छू के जहर को उतारने की ये बूटी है। बिच्छू किसी को काट ले, ये बहुत ठंडी प्रकृति की है। बिच्छू का जहर होता गर्म, ये बहुत शीत प्रकृति की है। और बस ये थोड़े दिन रहेगी, जैसे थोड़ा धूप हुआ तो इसके फल आ जाएंगे, अरे पत्ते इसके सूख जाएंगे। अगस्त माह में फल आके और सितंबर माह में ये सूखना शुरू हो जाता है। तो ये देख लीजिए, इसके ये पुष्प है। ये बहुत ठंडी प्रकृति की बूटी है, बिच्छू के जहर पे बहुत काम आती है, इसलिए बिच्छू बूटी, बिच्छू काटा, इस तरह से इसका नाम है। अब मैं आपको इसकी जड़ बताता हूँ, इसमें कहाँ पे निकलती है हाथाजोड़ी। लोग बोलते हैं हाथाजोड़ी निकलती है और बड़े संतों ने लगाए, ये झूठ प्रचार है। मेरा सब YouTube चैनल वाले जो देते हैं उनसे केवल ये निवेदन है कि इस तरह का झूठा प्रचार ना करें, नहीं तो आयुर्वेद बदनाम होता है और लोग परेशान होते हैं, और उस तरह का उनको जब लाभ नहीं मिलता है तो फिर नाना प्रकार की भ्रांतियाँ उनके आयुर्वेद के प्रति पैदा होती हैं, तो ऐसा ना करें। मैं बताता हूँ वास्तविकता में, आपको इसकी जड़ देख लीजिए। ये देखिए, ये मैंने पौधा उखाड़ लिया है जड़ से। ये देखिए, मैं आपको मट्टी गिरा के बताता हूँ इसमें कहाँ पे, इसमें कोई इसमें हाथाजोड़ी नहीं है। देखिए कहाँ इसमें हाथाजोड़नी है। हाथाजोड़ी जिसके बारे में बोलते हैं कि बड़ा पैसा धन संपत्ति लाती है, जुए में जीत दिलाती है, न्यायालय में जीत दिलाती है। ये देखिए, मैंने इसकी जड़ आपके सामने खोदी, इसमें कहाँ हाथाजोड़ी, कोई हाथाजोड़ी नहीं है। ये इसमें नारंगी कलर की जड़ें हैं। इसमें जरूर, ये जरूर है इसकी जड़ों में कि इसकी जड़ों में ये जो देख रहे हैं आप, गंधक का रंग है, ये गंधक को ये ज़मीन से खींचती है। तो किडनी रोग में, ये किडनी में किसी प्रकार का घाव हो, किसी प्रकार की चोट लग गई हो, अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, उसमें ये काम आती है। इसमें कोई हाथाजोड़ी नहीं है। ये मैं इसकी जड़ को ऐसे छील के ही बता देता हूँ आपको। ये देखिए, इसको ऐसे छील लीजिए हाथ से, कहाँ हाथाजोड़ी इसमें, कोई नहीं है। कड़क जड़ है बिल्कुल, कहीं कोई हाथाजोड़ी इसमें नहीं है। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने पूरा पौधा उखाड़ा। ये खूब मिलता है सड़क के किनारे, खूब मिलेगा घूड़ों पे, कचरे पे, बागुड़ में खूब मिलता है। ये कोई हाथाजोड़ी नहीं है, इसमें भ्रमित मत होइए भाइयों बहनों, अनावश्यक परेशान मत होइए। हाथाजोड़ी क्या है, ये मैंने भी एक ही बार देखी है, सालवड्डी के मेले में। महाराष्ट्र में एक संत आए थे, उन्होंने मुझे दिखाई, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। उनका कहना था कि दो चार छः चीज़ें हैं जो बहुत प्रभावी हैं इसमें। एक तो सफ़ेद पलाश की लकड़ी, उसको घर में रखने से, चांदी में अभिमंत्रित करके रखने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, ये सत्य है। बेर का बांदा,
बरगद के नीचे बरगद का वृक्ष, गूलर का पुष्प और हाथाजोड़ी के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। हाथाजोड़ी उनका कहना था बांस के ऊपर जो घना बांस का जंगल, वो मेरे पास इसलिए आए थे कि वहाँ एक घना बांस का जंगल था, वहाँ वो ले जाना चाहते थे। तो मैंने उनसे इस संबंध में पूछा कि आप बताइए क्यों ले जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे फिर विस्तृत विवरण बताया। तब उन्होंने मुझे दिखाई, इतना बड़ा बांस का टुकड़ा था, उसके ऊपर वो हाथाजोड़ी लगी हुई थी। वो असल में होती है मशरूम। वो जो मशरूम जब ठोस बांस के ऊपर उगती है, उसमें एक नीचे रहती है जो मादा है और एक उसके ऊपर रहती है जो नर है, वो है हाथाजोड़ी। जो बांस के ऊपर, उसको बांस का बांदा भी बोलते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने बताया था कुश का बांदा, कुश का बांदा, बांस का बांदा, ये बेर का बांदा, बड़ के नीचे बड़, गूलर का पुष्प, सफ़ेद पलाश की लकड़ी, इस तरह की जो चीज़ें हैं तंत्र मंत्र में अति दिव्य हैं, अति शक्तिवान हैं। इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं वो सब अपनी जगह ठीक है। तो वो जब बांस के ऊपर उगती है फंगस बरसात के दिन में, तो कुछ दिनों में वो विशेष पेड़ होता है, सूख जाता है और वो हाथाजोड़ी का रूप धारण कर लेता है। तो उनके बताए अनुसार बांस के ऊपर जो बांस का बांदा उगता है, बांदा उसी को कहते हैं, छोटे सा मशरूम होता है जिसको भमोड़ी बोलते हैं गाँव के लोग, भमोड़ी, और उसको खाते भी हैं। जो नीचे उगता है, ये उगता है बांस के जोड़ के ऊपर, जैसे जहाँ यहाँ बांस का जोड़ है वहाँ उगती है, और एक बांस में जिसमें रहेंगी 10-12 रहेंगी, कोई छोटी रहेगी कोई बड़ी रहेगी। तब मुझे एक बार उस हाथाजोड़ी के दर्शन हुए, इसके बाद कभी नहीं हुए, मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो वास्तविकता हाथाजोड़ी, मेरे विचार से उनका कहना बिल्कुल सही है, और उसका कोई झाड़ या पेड़ ना आज तक किसी ने बताया ना मैंने देखा। बांस के ऊपर जो उगने वाली चीज़ है वो मुझे सत्य प्रतीत होती है। हाथाजोड़ी का बहुत विवरण था, बहुत फ़ोन आ रहे थे, कई बार लोग बोल रहे थे, इसलिए मैं परेशान था फ़ोन से। तो मैंने आपको ये वास्तविकता से अवगत करा दिया, इसमें भ्रमित मत होइए। ये बिच्छू बूटी है, बिच्छू का जहर इससे उतरता है। इसके पत्तों को अगर कड़ू तेल में, जो सरसों के तेल में, एक पाव तेल में 10-1 पत्ते ले लीजिए, जला लीजिए। जब वो पूरी तरह से अच्छा जल जाए तो तेल छान के रख ले, तो कान में डालने से कान के रोग भी ठीक होते हैं, क्योंकि इसका आकार भी कान के ही जैसा है। ये बात सत्य प्रतीत होती है, बाकी सब निराधार है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से आज मैंने आपको इस पौधे से अवगत करा दिया। इसके बहुत प्रचार चल रहा है पर ये है नहीं। नमस्कार।